हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य केशरवानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैपन ट्यूटोरियल्स। सो अनदर वीडियो आगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर साइंस ने एक बेसिकली ये वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड ये कॉलेज, वहाँ पे क्या है, इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है। इंटर्नशिप बेसिकली मतलब कि उनका फॉर्म आ चुका है, तो जिन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली केमिस्ट्री स्टूडेंट में बहुत सारे ब्रांचेस दिए हैं। यहाँ आप आगे चल के मैं पूरा प्रोसीजर आपको दिखा सकता हूँ। अप्लाइड फिजिक्स वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिकल साइंस वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, ये इंटर्नशिप पूरा ऑनलाइन होने वाला है। आपको पता है सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल चल रही है। और एक और बात है कि यहाँ पे फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट ईच स्टूडेंट को, जितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है सबको यहाँ पे कुछ ना कुछ आई थिंक 1200 समथिंग पर मंथ यहाँ पे आपको एक तरीके से स्टाइपेंड मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टाइपेंड मिलेगा। तो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए, ठीक है। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको फॉर्म भर रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वहाँ पे, लास्ट डेट कब है। उससे पहले मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, मतलब मैं थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ मैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मेरा क्या काम है, आपको अपॉर्चुनिटी को इन्फॉर्म करना। क्या कोई फॉर्म आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, कोई इंटर्नशिप आ रही है, इंटर्नशिप आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो रही, तो वहां पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बट क्या है कि कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि ठीक है, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। इवन कोई भी यूट्यूब का जो भी यूट्यूब में चैनल से या यूट्यूब में जो बहुत सारे कोई भी अपना पर्सनल नंबर आज तक मुझे नहीं लगा कि किसी ने अपना प्रोवाइड करता है, बट फिर भी मैं अपना पर्सनल नंबर तक दे रखा हूँ कि आपको कुछ भी अर्जेंट हो तो यार, मतलब जो चीजें फेस की वो आपको ना फेस करना पड़े। बट ऐसा नहीं हो रहा है मेरे साथ। अब मुझे ये लग रहा है कि स्टूडेंट पूरा पूरा मेरे पे डिपेंडेंट हो रहा है। अब एक स्टूडेंट है आइजर कोलकाता में, उसने फॉर्म अप्लाई किया, अब मुझसे पूछ रहा है सर आप बताओ कि कौन कौन से प्रोफेसर के लिए अप्लाई करूं। यार मेरा काम है आपको बताना कि ये इंटर्नशिप आ गई है, अब उसके बाद आगे आपको सर्च करना पड़ेगा। अगर आप मेरे पे टोटली डिपेंडेंट हो जाओगे तो फिर मेरा मोटो जो है वो, मतलब मैं इस तरीके से काम नहीं कर पाऊंगा। मेरा काम, मतलब मुझे ये लगता है कि मेरे टाइम पे क्या था कि मुझे ये सब कुछ बताने वाला नहीं था। अगर कोई बताता तो फिर उसके बाद, क्योंकि इंटरनेट पे देखो आपके पास फेसबुक का टाइम है चलाने का, इंस्टाग्राम, तो आप खुद सर्च नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि आदित्य सर पूरा मुझे ले आके पूरा मुझे बता दे, मुझे इंटर्नशिप करा दे। तो प्लीज जो भी आपके मन में ये चल रहा है प्लीज इसको निकाल दो, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ। इतने स्टूडेंट का मैसेज का देखता हूँ, रिप्लाई करने में परेशान हो चुका हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा परेशान हो गया हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मैं जिस वजह से इस चैनल को स्टार्ट किया हूँ, जो मेरा मोटो है वो कहीं और डायरेक्शन में चला जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा मतलब ये कि मैं आपको रियलिटी दिखाऊँ, आपको आईटीएस एनआईटीज या जो भी हो सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर ये वाली आईटी बेटर होगी कि ये वाली आईटी बेटर होगी, एक नॉर्मल ट्रेंड जो बना है उस प्रेफरेंस ऑर्डर में भरना चाहिए कि नहीं। मैंने उनको बता दिया हूँ रियलिटी कि किस बेसिस पे आपको भरना चाहिए, आपका जिधर इंटरेस्ट हो उधर जाओ, देखो वो सब देखो, मैंने आपको हर चीज बता रखी। लेकिन उसके बाद भी सर आईटी गांधीनगर अच्छा है कि आईटी मंडी अच्छा है, तो प्लीज यार अब थोड़ा सा मैच्योर बनो। फिर यही, इसीलिए मुझे लगता है कि कोई यूट्यूब पे इस तरीके की बातें नहीं बताता है। अब मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ तो आप पूरा मेरे पे डिपेंडेंट हो जा रहे हो। मैं कब तक, अब किसी ने पूछा सर मुझे इन ऑर्गेनिक फील्ड में इंटरेस्ट है तो आइजर कोलकाता में मैं किस किस प्रोफेसर को अपना प्रेफरेंस दूं, तो यार मैं भी आइजर कोलकाता में तो पढ़ा नहीं, मुझे भी तो पता नहीं ना, मैं भी तो जान रहा हूँ थ्रू इंटरनेट की। आप जाओ ना ऑफिशियल वेबसाइट पर, उनका रिसर्च पेपर देखो। आई नो अभी रिसर्च पेपर नहीं समझ में आएगा, बट इतना तो समझ में आएगा कि वो किस फील्ड में काम कर रहे हैं। अगर आपको उस फील्ड में काम करना है तो जाओ, अदरवाइज मत जाओ। तो प्लीज मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है यार, प्लीज मैं मतलब अगर इस तरीके से होगा तो शायद मेरा जो मोटो है वो खत्म हो जाएगा, और मेरा मोटो अगर खत्म हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार सच में। मतलब फिर अगर मैं थोड़ा सा परेशान होने लगूंगा तो मैं चीजों को नहीं इन्फॉर्म कर पाऊंगा प्रॉपर टाइम पे, जो मैंने जो चीजें होती है फिर मिस आउट हो जाएंगे, फिर आप मुझे मत कहिएगा। तो प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज जो मेरा मोटो है उसको बरकरार रखो, उसको मत गलत डायरेक्शन में ले जाओ। मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि जब मेरे को सुबह मैं सो के उठता हूँ सुबह, तो मुझे अगर 100 मैसेजेस दिखते हैं तो फिर उसमें से मतलब मुझे रिप्लाई करना बहुत टफ होता है। एक भी ऐसा स्टूडेंट बता दूं, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो कि जिसका मैंने कमेंट का रिप्लाई ना किया, या
जिसकी मैंने कॉल नहीं रिसीव किया या जिसकी मैंने कहीं तरफ से अगर उसने जो भी हेल्प पूछी हो, इवन मुझे नहीं पता होता है, मेरे फिजिक्स के स्टूडेंट जो अपना काम कर रहे हैं मैं उनको कॉल करके पूछता हूँ, मेरे डीयू में स्टूडेंट जो दोस्त है मेरे उनको कॉल करके पूछता हूँ, आइजर वाले जो मेरे दोस्त है उनको कॉल करके पूछता हूँ, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज तो आप इस चीज को बिल्कुल, क्योंकि अब मुझे लग रहा है आप मुझे हम मुझे लाइटली ले रहे हो, मतलब कि मैं सबकी हेल्प कर रहा हूँ, तो आप जब चाहे मन तब चाहे मैसेज कर दो मुझे। मैं कहता हूँ अब आज का मैसेज सुबह मेरे को 110 मैसेजेस है मेरे व्हाट्सएप में, अब आप खुद बताओ मैं कैसे किसको किसको रिप्लाई करूँ। और उसमें जानते हो किस तरीके के क्वेश्चन है, सर मैं आइजर में अप्लाई कर रहा हूँ, इस फॉर्म में मुझे अपना मेरा सरनेम मैंने गलत डाल दिए, अब क्या करूँ? यार तो ये चीज मैं थोड़ी ना बता सकता हूँ, आपने गलत डाल दिए तो आप मेल करो, अथॉरिटी को मेल करो, वो बताएगी ना, मैं थोड़ी ना अथॉरिटी हूँ कि आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ये चीज कर लो। आपको बहुत कुछ अर्जेंट होता है तो आप मैसेज करो। अब जिसको देखो, कल मैं देख रहा हूँ कि एक स्टूडेंट मेरे से पर्सनल बातें पे पूछे जा रहे हैं, सर कि कौन सी आईआईटी लेनी चाहिए, कौन सी आईआईटी। प्लीज उन सबसे रिक्वेस्ट है यार, अभी मेरे पास 3 ग्रुप मैंने बना दिया ऑलरेडी, तीनों ग्रुप को मैं हैंडल कर रहा हूँ, तीनों ग्रुप में मैसेजेस जो आते हैं उनको हैंडल कर रहा हूँ, तो इट्स अ वेरी टफ फॉर मी। मेरे सेमेस्टर एग्जाम ऑलरेडी आ चुके हैं, मैं यही है कि अगर इस तरीके की चीजें हुई तो मैं प्रॉपर नहीं इन्फॉर्म कर पाऊंगा, जो आपको मतलब जो मैं फील कर रहा हूँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि इट्स वेरी टफ फॉर मी। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे, इस तरीके की चीजें करोगे कि आप टोटली मेरे पे डिपेंड हो जाओ कि आदित्य सर मुझे हर चीज बताएंगे कि कौन से प्रोफेसर अच्छे हैं कौन से नहीं, तो मैं उसे प्रोफेसर के अंडर अप्लाई करूंगा, इट बहुत बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। ठीक है, आई नो मैं थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बट जो रियलिटी वो है, क्योंकि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो यूट्यूब में मतलब मुझे बहुत पैसे की वो है। मैं एक और बात आपको थोड़ा सा 2 मिनट सुन लेना बस इतनी, मैं देख रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे क्या कर रहा हूँ इस समय, DU, BHU, JNU, जामिया, CU, सेट जितने भी के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, अपना पूरा टाइम उस पर दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम यूटिलाइज हो रहा है, बट और उसके बाद भी मुझे ये पता चल रहा है कि अगर आप बहुत सारे YouTube चैनल जो इनको क्या करते हैं सेल करते हैं, मतलब उनके पास प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन वीडियो है तो वो उसको सेल करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट खरीदते हैं, बट मेरा ऐसा कोई मोटो नहीं, क्या मैं कहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल में उसको खरीदो मेरे से, मैं भी चाहता तो अगर मैं प्रीवियस ईयर जैसे यूट्यूब पे पोस्ट कर रहा हूँ नहीं करता, मैं स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर देता कि जिसको प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन चाहिए 1000 या 1500 जो मार्केट में रेट चल रहा है उस तरीके से, बट मैं ऐसा नहीं हूँ ना, मुझे ये लग रहा है कि जो चीज मुझे आती मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूं आपके लिए बेटर होगा, तो प्लीज इस चीज को बरकरार मत रखो, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, मतलब मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों? क्योंकि मुझे भाई मुझे पता है, ठीक है मैं अगर आप इतना मुझे मतलब मेरे पे इतना इतना लोड दे दोगे मुझे इतना, तो फिर मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे अपनी भी अपना भी करियर संभालना है, हर चीज मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज मुझे ऐसे मत मजबूर कर दो कि मैं आपके लिए ये सब ना कर पाऊँ अब। ठीक है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर मैं कोई चीज इन्फॉर्म कर रहा हूँ तो प्लीज आप खुद पे उस पे जाकर रिसर्च करो, इनकेस बहुत अर्जेंट होता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है, आप क्या करना चाहिए, तो आप मुझे कॉल या पर्सनल मैसेज करो, उसके अलावा प्लीज मुझे पर्सनल मैसेज अवॉइड करो, कॉल करना अवॉइड करो। अब कोई स्टूडेंट कह रहा है सर कल कॉल किया मेरे से, कह रहा है सर इंटर्नशिप क्या होता है बता दो, अरे यार कॉल करने पे आप ये पूछ रहे हो, मैं इन्फॉर्म किया हूँ ऑलरेडी, यार आप नेट पे सर्च कर लो इंटर्नशिप क्या होता है, यार ये सब चीजें जब हो रही है ना तो मेरे को फिर मैं लो फील करने लगता हूँ, सो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करो, अदरवाइज फिर आप सबके लिए दिक्कत हो जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं अपना करियर अपने पे लग जाऊंगा, मुझे अपना करियर भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीजें मैंने फेस की है मैं नहीं चाहता कि जो हमारे मेरे जो जूनियर्स है जो आने वाले जैम के थ्रू एस्पिरेंट है तो इन सब चीजों को वो ना फेस करें, कौन से NITs में प्लेसमेंट अच्छा है ये सब मैं प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, तो आप उसको देखो फिर उसके बेसिस पर डिसाइड करो ना। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हम स्टार्ट करते हैं, फॉर्म बताता हूँ कैसे कैसे आपको भरना है। ठीक है, बता देता हूँ यहाँ का कैंपस जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैं तो ये सोचता हूँ अगर कोविड नहीं होता तो आप ये इंटर्नशिप ऑफलाइन होती, अगर आप ऑफलाइन में ये इंटर्नशिप करते ना बहुत ही अमेजिंग, जब आप इसका कैंपस देखोगे ना बहुत ही अमेजिंग है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उनके अनाउंसमेंट में लिखा है कि समर रिसर्च प्रोग्राम 2021, तो यहाँ पे आपको क्या करना है टैप करना है, यहाँ पे जैसे ही आप टैप करोगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा, मैं बस वो ओपन करके दिखाता हूँ आपको। बेसिकली एक बात और बताता हूँ कि कल क्या हुआ था कि
प्लीज थोड़ा सा सुन लेना। मतलब एक स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया, कह रहे सर मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो जो भी आप फॉर्म आता है अपडेट या तो जो भी इंटर्नशिप वगैरह आता है आप प्लीज मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, पर्सनल मैसेज करके इन्फॉर्म कर देना। तो मैं मतलब थोड़ी देर तो पहले मैं खुद पे हंसा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे लगा कि मतलब स्टूडेंट मतलब मुझे इतना लाइटली ले रहे हैं कि मतलब मैं इतना ज्यादा फ्री हूँ। आपको ऐसा लग रहा तो बिल्कुल प्लीज आप गलत फहमी में, अगर आपको ये सब चीजें लग रही हो तो फिर आगे चल के शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेरा कुछ नहीं जाएगा अगर मैंने ये चीज रोक दी तो। मतलब मुझे ना अभी भी कुछ मिल रहा है ना मेरा कुछ चला जाएगा। तो बाकी देख लो यार, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही फ्री हूँ, मैं यूट्यूब पे हूँ इस समय, मैं डेली एक वीडियो कुछ ना कुछ, क्योंकि डेट्स है ना, मुझे लगता है आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, तो मैं अगर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर आपके मन में ये सब आ रहा है तो प्लीज आपके बहुत गलत फहमी है आपको। तो ठीक है, मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ। नाम है सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस, ये कोलकाता में बेसिकली सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी वगैरह में क्या है। एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हो स्टूडेंट इन फर्स्ट और सेकेंड ईयर और एमएससी फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी इन फिजिकल और केमिकल। केमिकल में कौन कौन सा इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग बायो फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, बायो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग फिजिक्स। तो ये सारे ब्रांचेस यहाँ पे, इनफैक्ट मैथमेटिकल साइंस और अप्लाइड फिजिक्स इंक्लूडिंग अप्लाइड मैथमेटिक्स भी है। तो आप इन सब के, अगर आप इन सब कोर्सेज के हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ड्यूरेशन आप देख सकते हो कि द प्रोजेक्ट विल बी पीरियड ऑफ 8 वीक्स का बेसिकली पीरियड रहेगा, नो ब्रेक, कोई भी ब्रेक नहीं रहेगा। अंडर द सुपरविजन ऑफ ए फैकल्टी मेंबर आपको यहाँ पे एक गाइड मिलेगा जो आपको वहाँ पे चीजों को गाइड करेगा क्या कैसे करना है। ठीक है, कुछ फीचर्स आप देख सकते हो, द प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। कैंडिडेट इन द सेकेंड लिस्ट इफ एनी विल नॉट रिसीव एनी फेलोशिप, मतलब कि कोई भी यहाँ पे आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी फ्रॉम इनके कॉलेजेस के थ्रू, दे कैन रिसीव द सेम फ्रॉम द प्रोजेक्ट सुपरवाइजर। प्रोजेक्ट सुपरवाइजर अगर आपको देना चाहेगा तो वो दे सकता है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे कैंडिडेट हुए, कोई भी आपको इंस्पायर या और कोई भी फंडिंग सपोर्ट अगर आपको मिलता है तो आपको अप्लीकेशन फॉर्म में वो लिखना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू गिव एन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, जब आपका पूरा ये हो जाएगा तो आपको एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि आपको लिखा है सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट बी अबाइड बाई द रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लीकेबल टू द स्टूडेंट ऑफ एंड आप ये देख सकते हो कॉलेज का नाम है। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट में आप देख सकते हो कि क्या लिखा है कि द सेंटर विल प्रोवाइड एन ऑनरियम ऑफ ₹1250 पर मंथ, आपको यहाँ पे एक तरीके से स्टाइपेंड की तरह कह सकते हैं। ठीक है, हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने लिंक दे रखा है, आप यहाँ से डाउनलोड हियर पे क्लिक करोगे तो एक आपका पेज खुल के आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इम्पोर्टेंट डेट देख सकते हो, लास्ट डेट कब है, 15 मई की लास्ट डेट है। ठीक है, और 1 जून से ये बेसिकली स्टार्ट है, 8 वीक का प्रोजेक्ट रहेगा। अब कुछ स्टूडेंट के वैसे इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 25 मई को आपको अगर आप अप्लाई करते हो तो चल जाएगा आपका हुआ है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ कि फॉर्म में चीजें बेसिकली क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो अप्लीकेशन फॉर्म मैंने ओपन कर दिया, तो देखो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि आपका नेम, फादर नेम, ईमेल जो है ईमेल आप अपना करेक्ट डालना, इसमें कोई भी गलती मत कर देना। कॉन्टेक्ट अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना है, करेंट एप्लीकेशन बेसिकली आप क्या कर रहे हो अभी। ठीक है, परमानेंट एड्रेस आपको ये सब दे लोगे। प्रपोज गाइड आपको यहाँ पे अपना 2 गाइड देना पड़ेगा, आप देख लेना यहाँ पे जाके चेक कर लेना इनके ऑफिशियल साइट पे कि कौन कौन से जो भी गाइड है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, फंडिंग एजेंसी अगर आपका कोई आपके पास कोई आपको स्कॉलरशिप या फेलोशिप मिलती तो आपको उसमें टिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप देख लोगे और कोई यहाँ पे इश्यू नहीं है, उसके बाद आप ये पूरा फिल करना है। ठीक है, उसके बाद फिल करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ये उसका प्रिंट आउट लेके स्कैन करके आपको मेल करना पड़ेगा। मेल आईडी पिछले वाले जो फॉर्म है वहाँ पे मेंशन है, तो आप इतना कर लेना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। सो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।